हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास। और आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम एक स्पीच देखेंगे ऑन हाउ आई स्पेंट माय समर वैकेशन, कि मैंने अपनी समर वैकेशंस कैसे बिताई। टीचर्स हमें बोलती हैं ना क्लास में, सबसे बच्चों से पूछती हैं कि सब अपनी अपनी समर वैकेशंस के ऊपर बोलो। तो क्लास में हमें क्या करना होता है, खड़े होकर अपनी समर वैकेशंस के ऊपर एक छोटी सी स्पीच देनी होती है। मतलब सारे क्लास के फ्रेंड्स को बताना होता है कि मैंने अपनी समर वैकेशंस कैसे स्पेंड की हैं। तो चलिए देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके लिए यूज़ किया गया है। दिस ईयर आई स्पेंट माई समर वैकेशन एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन शेडी। इस साल मैंने अपनी समर वैकेशंस यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ मेरी ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी, आप दादी भी बोल सकते हो और नानी भी बोल सकते हो, मेरी दादी के घर शेडी में बिताई। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ए स्मॉल विलेज ऑफ महाराष्ट्र। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में रहते हैं। आप प्लेसेस के नाम चेंज कर सकते हैं। They have a nice house with a big garden. उनका एक अच्छा सा घर है, nice house मतलब प्यारा सा घर है, जिसमें एक बड़ा सा garden है। Garden मतलब बागीचा आप बोल सकते हो, उद्यान आप बोल सकते हो। There are two mango trees, वहाँ पर दो आम के पेड़ हैं। I ate a lot of mangoes, मैंने बहुत सारे आम खाए वहाँ। There is also a big neem tree, वहाँ पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी है। Me and my बुआ played together, मैं और मेरी बुआ साथ में खेले। वी ऑल हैड ए लवली टाइम, बुआ होती है जो पापा की सिस्टर होती है वो। वी ऑल हैड ए लवली टाइम देर, हम सब ने वहाँ पर बहुत अच्छा समय बिताया। वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स, हम लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते थे, मतलब रोज़ लंबी दूरी पर टहलने के लिए जाते थे। माई ग्रैंड मदर मेड टेस्टी फूड फॉर मी, और मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत टेस्टी टेस्टी फूड बनाया। आई सॉ ए लॉट ऑफ बर्ड्स देयर, मैंने वहाँ बहुत सारे पक्षी देखे। I was living a life free from city and its pollution. मैं शहर और उसके pollution यानी कि प्रदूषण से दूर एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। I enjoyed my vacation very much, और मैंने अपनी vacations को, अपनी छुट्टियों को बहुत enjoy किया, उनका बहुत आनंद लिया। Thank you। और वहाँ पर क्लास में जब आप स्पीच दे रहे हो तो आपको अपना नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको स्पीच लिखनी है तब आपको अपना नाम लिखना है, बट आप तो क्लास के सामने बोल रहे हो तो पूरी क्लास तो जानती है कि आपका क्या नाम है, तो वहाँ पर यू डोंट नीड टू टेल योर नेम। तो ये थी आपकी स्पीच ऑन हाउ आई स्पेंड माई समर वैकेशन। इसे आप पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल साइंस स्पेशल क्लास को ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।